मनीष जी ए परिवारवाद तुष्टि मुस्लिम तुष्टिकरण पे तो वो लगातार बोल रहे हैं। वो आज ना कुछ ऐसे विषयों को उन्होंने उठाया, अभी 1.5 घंटे की समय सीमा होती है। एक उन्होंने और मुद्दा जिस पर चुनाव आयोग पे जो पूरा विपक्ष, पूरे खैराती, पूरे दिल्ली की दलाल लुटियन मीडिया, ये चुनाव आयोग पे जो मोदी की कठपुतली है, चुनाव आयोग तो मोदी की कठपुतली है, उस पर जो उन्होंने याद दिलाया, अब देखिएगा उस पर कितनी चर्चा होती है, ये पाड़ा कितनी बार उस पर बहस करेगा, ये सनसनीबाज कितना उस पर बात करेगा कि जो 1991 का उन्होंने याद दिलाया कि जिस समय राजीव गांधी की मृत्यु हुई तो कहे एक सांसद का चुनाव था, एक सीट पे, ये जो नियम है कि एक एक जिस सीट पे मृत्यु हो जाती है वो उसका चुनाव कैंसिल हो जाता है, इन्होंने पूरा चुनाव आगे बढ़ा दिया चुनाव आयोग ने। और वो जो बता रहे थे उसको जरा आगे बताता हूँ, इस पूरा बढ़ा दिया और कल 21 दिन तक वो अस्थियां लेके पूरे देश में घुमाई गई चुनाव चुनाव के माहौल में सहानुभूति बटोरने के लिए। और कहे वो जो चुनाव आयुक्त थे मिस्टर, वो बाद में कांग्रेस से चुनाव लड़े, तो मैं बता दूं दर्शकों से, उन्होंने नाम नहीं लिया, वो टीएन सेशन का जिक्र कर रहे थे कि टीएन सेशन 1999 में लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ गांधीनगर में चुनाव लड़ने गया था, और जिस समय का वो जिक्र कर रहे थे राजीव गांधी की मृत्यु का, उस समय चुनाव आयुक्त टीएन सेशन ही था। तो ये अपने एक तरह से नेता को बैठाते थे। और जरा मनीष जी इको सिस्टम समझिए कि अभी तक वो इको सिस्टम रोता है, कह रहे टीएन सेशन ने चुनाव सुधार दिया, टीएन सेशन ने चुनाव पे बड़ी सख्ती कर दी, चुनाव सुधार जो किए उसी ने किए, वो कितना भ्रष्ट और बेईमान था, ये आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक उदाहरण से बताया। तो आप समझ लीजिए कि इको सिस्टम जो है ये बेईमान को ईमानदार, ईमानदार और ईमानदार को बेईमान कितनी खूबसूरती से करता है, इसका नमूना कि वो बाद में जाके कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ, और उसके बाद जिनको बनाया था सरदार जी को, वो तो बाकायदा एम एस गिल को, वो तो बाकायदा फिर मनमोहन सरकार में मंत्री बने, राज्यसभा मेंबर बने, मंत्री बने, तो कांग्रेस मंत्री बनाए, राज्यसभा बनाए, चुनाव आयुक्त को अपने गुर्गे को बैठा के, वो सब ठीक है। और यहाँ पे चुनाव आयुक्त तो अगर उनके मन की नहीं कर रहा, उनके मन पर नाच नहीं रहा, तो कैसे नंग नाच करते हैं ये आप लोग आजकल देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बारीक लाइन छुआ है। मुझे लगता है कि किस तरह के इकोसिस्टम से इसका मतलब है कि टीएन सेशन का महिमा मंडन किया गया और टीएन सेशन को कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम से बड़ा किया, फिर गिल को लाया गया, गिल मंत्रिमंडल में आया और आज के तक देखिए वही इकोसिस्टम जिसने टीएन सेशन और गिल का महिमा मंडन किया वही आज के चुनाव आयोग को अपमानित कर रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कोई कैंडिडेट मरता तो उस क्षेत्र का चुनाव कैंसिल होता है, पूरे देश का कैंसिल होता है। मैं मनीष जी बता दूं, जरा टीएन सेशन के लिए के बड़ा महिमा मंडल होता है, वो कम्युनिस्ट वामपंथी गुर्गे जो है, अरे टीएन सेशन बड़ा देवता था, उसने चुनाव सुधार कर दिया, फलाना कर दिया, कि टीएन सेशन चुनाव आयुक्त तो बनने से पहले वो उसका जरा इतिहास पढ़िएगा, वो तमिलनाडु के एमजी रामचंद्रन जो चीफ मिनिस्टर थे उनका वो चीफ सेक्रेटरी रहा, मतलब सबसे लंबे समय तक उनका चीफ सेक्रेटरी वो आदमी था, और एमजी रामचंद्रन को भारत के भ्रष्टतम मुख्यमंत्रियों में से एक गिना जाता है। तो बड़ा ईमानदार टीएन सेशन सबसे लंबे समय तक भारत के भ्रष्टतम मुख्यमंत्रियों में से एक का चीफ सेक्रेटरी रहा, तो कितना ईमानदार वो रहा होगा, कितनी ईमानदारी से वो काम करता होगा, कितना जनता का न्याय साथ न्याय करता होगा, ये आप बताने की जरूरत है, आपको आसानी से आप समझ सकते हैं। उसको लाके यहाँ जब बनाया गया चुनाव आयोग तो उसने कुछ उलूल जुलूल फैसले तो किए, लेकिन किस तरह से अंदरूनी मदद करता था कांग्रेस की, ये आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बता दिया। बिल्कुल, बड़ी चालाकी से उन्होंने टीएन सेशन का नाम नहीं लिया, लेकिन मीडिया में भी कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में थोड़ी बुद्धि होगी तो पकड़ेगा। मुझे लगता है कि इस शो के बाद आज से चर्चा टीएन सेशन पे जरूर होगी। आपने जहां टच किया है, क्योंकि आज तक टीएन सेशन के लिए भ्रष्टाचार और बेईमान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उस टीएन सेशन ने राजीव गांधी के सम्मान में पूरे देश का चुनाव कैंसिल कर दिया। जबकि मतलब ये कमाल की बात ये है कि राजीव के द्वारा वापस आने के, प्राइम मिनिस्टर तो थे नहीं राजीव गांधी उस समय में, फिर भी इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा था। अरे उस टीएन सेशन का आज भी ढोल मंजीरा बजाते हैं जितने, अरे टीएन सेशन ने कमाल कर दिया था, क्या कमाल किया था ये सब जानते हैं। टीएन सेशन के रहते कैसे बूथ कैप्चरिंग बिहार में मनीष जी होती थी, जिस समय टीएन सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त था उस समय बिहार में बूथ कैप्चरिंग अपने चरम पे थी, वो उसका स्वर्णिम काल था बूथ कैप्चरिंग का, बूथ बूथ लूट लेना, पोलिंग स्टेशन को लूट लेना,